हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो के चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद के एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु या गणेश? तो सूरदास के उपास्य देव थे भगवान श्री कृष्ण। सेकेंड क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, केला के, कमल के या नीम के? तो डियर स्टूडेंट्स, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता था? उदार, छलपूर्ण, निर्दयी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, छलपूर्ण। क्वेश्चन नंबर फोर है, गोपियां स्वयं को क्या समझती है? डरपोक, साहसी, अबला या निर्बल? तो गोपियां स्वयं को अबला समझती है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? हारिल पक्षी, मोर, कोयल या चकोर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हारिल पक्षी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा ने, गोपियों ने, नंद ने या कंस ने? तो उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या श्री कृष्ण के लिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द, श्री कृष्ण के लिए। क्वेश्चन नंबर एट है, गुर चाटी जो पागी, यहां गुर का अर्थ है गुड़, बड़ा, गुरु या गुर सिखाना? तो यहां गुर का क्या अर्थ है बेटा, ऑप्शन ए, गुड़। क्वेश्चन नंबर नाइन है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का या भक्ति का? तो उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर टेन, धार बही का अर्थ है धारा बहना, जल की धारा, निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा या अमृत की धारा? तो धार बही इसका अर्थ है ऑप्शन स, निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन की स्थिरता, मन का चक्र या मन की अस्थिरता? तो मन चक्री से अभिप्राय है मन की अस्थिरता, ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव, राधा, गोपियां, उपर्युक्त सभी? तो कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, बिथा शब्द का तत्सम रूप है व्यर्थ, बिना, व्यथा या मंथन? तो बिथा शब्द का तत्सम रूप है व्यथा। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? मन से, क्रम से, वचन से या उपर्युक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी, अर्थात गोपियों ने कृष्ण को मन से, क्रम से और वचन से धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, जर्जर होना, रटना या दुखी होना? तो जकरी शब्द का अर्थ होगा ऑप्शन से, रटना। क्वेश्चन नंबर 16 है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, भौरे के लिए, उद्धव के लिए? तो
हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द, उद्धव के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य अमृत या साहित्य लहरी। तो इन चारों में से ऐसी रचना बतानी है जो सूरदास जी की नहीं है, मतलब तीन रचनाएं सूरदास जी की हैं, एक रचना सूरदास जी की इनमें से नहीं है। तो वो रचना कौन सी है जो सूरदास द्वारा रचित नहीं है? साहित्य अमृत, अर्थात सूरदास जी की तीन प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और इनमें से भी यदि प्रमुख की बात की जाए तो वो कौन सी है बेटा? सूर सागर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूतो व्याधि हमको ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? शिकारी को, ब्याज को, परेशानी को या रोग को। तो व्याधि कहा गया है रोग को। क्वेश्चन नंबर 21, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? ककड़ी के समान, करेले के समान, खीरे के समान या नींबू के समान। तो गोपियों ने योग के संदेश को ककड़ी के समान कड़वा कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अप्रस रहत सनी तगातई, यहाँ तगा का अर्थ है सगा, संबंधी, धागा या टूटना। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ तगा का अर्थ है धागा। क्वेश्चन नंबर 23 और लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस, भयानक रस, वीर रस या हास्य रस। तो सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद से रिलेटेड 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। आई होप आपको अच्छे लगे हों और क्लियर भी हो गए हों। तो डियर, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।